हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक इसके पहले बुद्ध पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि छठवी शताब्दी यानी जो छठवी सेंचुरी थी, छठवी सेंचुरी यानी ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, इसको बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहेंगे। इसमें धार्मिक तथा सामाजिक जो चीजें थी इसको लेकर के लोग इसके खिलाफ हो रहे थे, चीजें आ रही थी। आखिर लोग इसके खिलाफ क्यों हो रहे थे? जाहिर सी बात है कि कोई चीज नहीं, जब ज्यादा फाउंडेशन किसी के ऊपर लगा दिया जाता है तो लोग उसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि उससे निकलना चाहते हैं। ऐसा कुछ छठी शताब्दी के धर्मों के साथ हुआ। यहाँ पे फाउंडेशन लोगों के ऊपर ज्यादा थे, जो सामान्य लोग थे इसको पालन नहीं कर पा रहे थे। भगवान तक पहुंचने का कोई और एक सस्ता कोई सरल मार्ग ढूंढ रहे थे। जाहिर सी बात है, उस समय जो रूल कायदा थे, जो कर्म कांड थे, वो काफी महंगे हुआ करते थे, जो आम जनजीवन के लोगों के बस से बाहर थे। तो छठी शताब्दी, आखिर जाहिर सी बात है, जब लोग निकलना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे, तो किसी के दिमाग में ये चीज आई कि हमें एक नए धर्म का गठन करें। उसी में प्रकाश में आया जैन धर्म। जैन, इसको जैनिस के नाम से जानते हैं, यानी पूरा जैन था। सबसे पहले किसने सोचा इसके बारे में? सबसे पहले एक महान पुरुष थे जिनका नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव ने सोचा। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। जैसे कि आजकल लोग हर एक धर्मों का अपना एक सिंबल होता है, जैसे हिंदू धर्म का सिंबल है ओम, मुस्लिमों का एक अर्धचंद्राकार होता है, क्रिश्चियन का प्लस है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे इन सारी चीजों का एक सिंबल होता था, वैसे जो इनके तीर्थांकर हुए उनके भी अपने एक सिंबल थे। जैसे कि ऋषभदेव जो थे, ये पहले तीर्थांकर माने जाते थे, यानी ये संस्थापक माने जाते थे जैन धर्म के। तो इनका क्या सिंबल था? इनका सिंबल था बुल, यानी कि वृषभ। यहाँ सोचने वाली चीज है वृषभ, ये भगवान शंकर का भी है, भगवान शंकर का नंदी आप लोग जानते हैं, वो भी है वृषभ ही है वो भी। उसके बाद ये चीजें थी। तो हम जैसा कि देखते हैं कि पूरे जैन धर्म में 24 तीर्थांकर हुए, 24 लोग ऐसे आए, तो इतिहास में पूरे 24 का सब जगह पे वर्णन नहीं मिलता है, कुछ एक का मिलता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद वैष्णव तीर्थांकर आए, उनका नाम था नेमदेव। नेमदेव इनका भी एक अपना प्रतीक था, एक चिन्ह था जिसको ये मानते थे, वो चिन्ह था शंख का। शंख और कौन यूज करता है? जाहिर सी बात है, भगवान विष्णु भी शंख लिए रहते हैं, वो भी। तो ये देखिए, ये आपके ये वैष्णव होंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये तीर्थांकर कौन थे। तीर्थांकर एक गुरु कह सकते हैं कि जैन धर्म के एक गुरु थे। क्या होता है कि ये एक बहुत ही सरल तथा सुगम मार्ग बताते थे मोक्ष तक पहुंचने के लिए, यानी जीवन से उद्धार होने के लिए। उसके बाद वैष्णव तीर्थांकर हुए नेमदेव, तैसावे हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये बनारस के एक राजा के घर में पैदा, राजा के घर में पैदा होते तो जाहिर सी बात है कोई सुख सुविधाओं की कमी नहीं रही होगी, सभी सुख सुविधाओं से लैस का होगा इनका घर, सारी चीजें रही होंगी, लेकिन इनको ये सब पसंद नहीं है। और इनको भी एक सरल मार्ग की जरूरत थी, एक सरल धर्म की जरूरत थी, और इन्होंने ये धर्म छोड़ दिया और इन्होंने अपनाया जैन धर्म को। अब ये बनारस में पैदा हुए थे, भगवान शंकर की नगरी है, तो भगवान शंकर गले में क्या लपेटते हैं? सांप लपेटते हैं। तो जो इनका प्रतीक चिन्ह था यानी पार्श्वनाथ का, वो था सांप यानी स्नेक। उसके बाद सबसे फेमस जो अंतिम हुए वो थे महावीर शौन। आज ये 24वें तीर्थांकर हुए और सबसे लास्ट है इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ये भी एक क्षत्रिय थे, यानी ये भी एक राजा के यहाँ पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गात्रिक कुल थे, कुल के मुखिया थे यानी हेड थे। उसके बाद जिनकी माता थी उनका नाम था त्रिशला। उस समय एक बहुत फेमस साम्राज्य हुआ करता, उसका नाम था लक्ष्मी।
तो ये लिच्छवी के जो राजा थे उसमें चेटक, उनकी ये बहन थी यानी कृष्णा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। कहां हुआ? कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ। अब इनका जन्म हुआ, इनकी शादी हुई यशोदा नाम से एक महिला थी उनसे हुई। उसके बाद इनकी एक इनसे एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शना। कहीं कहीं प्रियदर्शनी का भी जिक्र मिलता है, अनुजा प्रियदर्शना। उसके बाद ये चीजें थी। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, यानी कि जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु हो गई करीब 72 वर्ष की उम्र में, इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। ये चीजें थी थोड़ी सी कि इनका जन्म कहाँ होता है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है, मैं बता देता हूँ कि वो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है कि आप याद कैसे रखेंगे। जैसे एमसी हो जाएगा महावीर, पी से इनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में, तथा थ्री मतलब हो गया त्रिशला, यानी इनकी माता जी का नाम त्रिशला था। तो ये चीज देखा कि हाँ मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जो थे इनको सब कुछ हुआ, फिर इनको ये धर्म समझ नहीं आया। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अतः 29 वर्ष की अवस्था में इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने कहा कि हम राजपाट कुछ नहीं करेंगे, हम जैन धर्म में जा रहे, हम संन्यास सन्यासी बनेंगे। और इन्होंने संन्यास ले लिया 29 वर्ष में। करीब 12 महीने तक ये इधर उधर भटकते रहे। 13 महीने में इन्होंने अपने समस्त कपड़ों का त्याग कर दिया, यानी इन्होंने माना ये दिगंबर बन गए, यानी इन्होंने माना कि ये कपड़े हमारे चारों तरफ का, चारों तरफ ही इन्होंने चार जो दिशाएं होती हैं उन दिशाओं को अपने कपड़ों के रूप में स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या था इनका सन्यासी। करीब ये 12 वर्षों तक उसके बाद कठिन तपस्या किया। इन्होंने कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ऋषपालिका नदी, ऋषपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष था, उसी के किनारे इन्होंने तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, यानी एक सुप्रीम नॉलेज मिला, एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। जिन मीन्स क्या होता है, आप सोच रहे होंगे जिन, वो बोतल से निकला हुआ जिन नहीं। जिन मीन्स होता है विजेता यानी विनर। और ये निर्ग्रंथ भी कहलाए, जैन धर्म में ऐसा वर्णन मिलता है कि इनको निर्ग्रंथ कहा गया, यानी कि बंधनहीन कहा गया, यानी इनके ऊपर कोई बंधन नहीं था, एकदम ये फ्री हुए। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये क्या थे। उसके बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करना शुरू किया। तो क्या प्रचार प्रसार कैसे करते थे, लोग ऐसे ही बहुत परेशान थे क्योंकि जो भाषा थी वो काफी टफ थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी भाषा थी वहां की एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा, उसमें इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास के लोग रहे ये भाषा उनको समझ में आई और इन्होंने इनके उपदेशों को सुना। तो ये था जैन धर्म में, आपने देखा कि इनके उपदेशों को सुना। तो कोई ना कोई एक ऐसा आदमी रहा होगा जो पहला जैन धर्म को स्वीकार करने वाला आदमी रहा होगा। अभी तक तो सब तीर्थंकर ही थे, इनके बारे में नहीं, जो पहला है, यानी कि इनको अन्यायी बोलते हैं कि जो उस धर्म को पालन करे उसका, यानी उस धर्म के सारे रूल का रूल जो थे उनको क्या करे, फॉलो करे। तो जो थे, तो सबसे पहले जो शामिल हुए इसमें वो इनके दामाद, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद, वर्धमान के दामाद शामिल हुए। उनका नाम था जामिल, यानी कि जामिल जो थे ये अर्जुना प्रियदर्शनी के पति थे। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये शामिल हो गए तो जो इनका पहला विवाद हुआ वर्धमान से उपदेश को लेकर के, ये जामिल से हुआ। पहले जो भिक्षुणी का नेता है कि पहली महिला कौन थी जो जैन धर्म को फॉलो कर रही थी, जैन धर्म को उसने स्वीकार किया, उसके बारे में मिलता है कि ये चंपा थी, चंपा नाम की कोई महिला थी जिसने जैन धर्म को पालन किया। उसके बाद इनके कुछ शिष्य, उसमें वैसे सुधर्मा नाम का एक ऐसा शिष्य था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जिंदा था, तो लोग इसे प्रथम उपदेशक के नाम से कहते हैं कि ये प्रथम उपदेशक था, या जैन धर्म में या कभी कभी पेपर में प्रथम उपदेशक ना पूछ करके ये पूछ लेता है कि प्रथम थेरा कौन था। तो प्रथम थेरा या उपदेशक जो प्रथम में जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद इनका जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया उसने, वो था सुधर्मा, यानी आर्य सुधर्मा। उसके बाद जैसे कि गढ़ होते थे, आप लोग सोचे होंगे जैसे भगवान शिव के भी गढ़ होते थे,
यानी कि जो उनके साथ रहते थे। ऐसे इन्होंने कुछ इनके भी शिष्य थे, शिष्य को कह सकते हैं कि गढ़ थे, तो इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया, यानी कि जो ग्रुपिंग था एक उसमें किया। उसके बाद ये चीजें देखा आपने, तो अब ये चीजें इतनी थी, उसके बाद इन्होंने कुछ शिक्षा भी दी, तो उनकी शिक्षाओं को हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं कि इन्होंने त्रिरत्न नाम से ये शिक्षा दी। ये त्रिरत्न कौन से थे? ये त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक आचरण, उसके बाद समय ज्ञान, समय ज्ञान। इन्होंने इसको त्रिरत्न, जैन धर्म इसको त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप जैन धर्म में आइए, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि कुछ 5 महाव्रत टाइप के थे, यानी कि 5 मोस्टली चीजें थी जिसको लोगों को समय फॉलो करना। ये 5 जैन धर्म की मुख्य चीजें थी। अगर आप जैन धर्म में जा रहे हैं तो इन 5 महाव्रतों का आपको पालन करना पड़ेगा। व्रत होते हैं कि जो चीजें, यानी कि इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है। तो ये 5 महाव्रत थे, 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत क्या थे? ये महाव्रत के बारे में सोच रहे, क्योंकि ऋषभ देव ने 4 ही महाव्रत बताए थे, जो इस जैन धर्म के यानी जैनिस के पहले संस्थापक थे ऋषभ देव, उन्होंने 4 महाव्रत बताए। जब महावीर आए, यानी कि वर्धमान आए, जो उन्होंने एक महाव्रत और जोड़ दिया, वो महाव्रत था ब्रह्मचर्य। हम देखेंगे कि ये 5 महाव्रत कौन से थे। पहला था अहिंसा, अहिंसा सिंपल थी जी, गांधी जी इसी के लिए फेमस हुए, गांधी जी ने अहिंसा ये किया था। और ये अहिंसा 5 जैन का भी था, ये था इसको कहेंगे यानी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा था सत्य वचन, यानी हमेशा सच बोलो, यानी कि नॉन लाइन, कभी झूठ मत बोलो या ट्रुथफुल। उसके बाद अस्ते, अस्ते होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कि चोरी करना आप छोड़ दीजिए। ऐसी बात है, मन में लालच नहीं होनी चाहिए, जब लालच होती तभी लोग चोरी करते हैं कि ये चीज पसंद है, हम चुरा ले चलते हैं। तो अगर आप जैन धर्म में आ रहे हैं तो ये 5 महाव्रतों में था कि आप चोरी नहीं करेंगे, यानी अस्ते इसको कहा गया। उसके बाद अपरग्रह कहा गया, अपरग्रह मतलब होता है कि लोग जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा शशिकला कहां गई, जेल में, उन्होंने क्या किया था, ऐसे अधिक संपत्ति रखी थी अपने पास। तो ये चीज में बताइए कि आपको जितनी जरूरत हो आप उतनी ही चीज रखिए, उससे ज्यादा अपने पास स्टोर मत कीजिए। तो इसे कहा गया आपका अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोजिशन। उसके बाद जो चौथी चीज महावीर स्वामी ने जोड़ी वो था ब्रह्मचर्य, चलिवेसी इसे कहा है, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। उसके बाद इतनी सारी चीजें आपने देखी। उसके बाद जो जैन धर्म था वो मोस्टली क्या था कि जैसे ये जैन धर्म भी अनिश्चयवादी था, अनिश्चयवादी से जैसे ये बौद्ध में मिलता है, यानी ईश्वर का की कोई मान्यता नहीं थी, ये मान्यता थी कि आप जैन धर्म में रहिए, इसी के महाव्रतों को, इसी के त्रिरत्नों को आप फॉलो कीजिए और आप क्या होंगे इससे, यानी यही से आपको मोक्ष मिल जाएगी। यानी कि जैन में ही ईश्वर की कोई महत्ता नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, वो थी कर्मकांड तथा पुनर्जन्म को मानते थे। ये मानते थे कि आदमियों का पुनर्जन्म होता है, तो उस समय जो कर्मकांड हुआ करते थे वो सारी चीजें जैन धर्म एक्सेप्ट करता था। उसके बाद जैन धर्म ये आत्मवादी था तथा अनेकवादी था, यानी कि मेनी शाओ थ्योरी यहाँ पे लागू होती थी जैन धर्म में। तो ये चीजें आपने जैन धर्म के बारे में देखा, इतनी सारी चीजें। उसके बाद एक जैन धर्म के बहुत फेमस गुरु हुए भद्रबाहु हुए, भद्रबाहु ने एक किताब लिखी थी कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में जैन धर्म के सारी नियम कानून जितने भी चीजें थी या जितनी भी चीजें थी सब भद्रबाहु ने कल्प सूत्र में इकट्ठा करके लिखा है। कि जैन धर्म के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बेशक से चीजें आप कल्प सूत्र पढ़िए। कल्प सूत्र में इसे भद्रबाहु ने लिखा, ये जैन गुरु थे। तो ये चीजें देखा, इतनी सारी चीजें जैन धर्म से रिलेटेड थी। अब समस्या ये है कि इतनी सारी चीजें बता दी गई, जरूरी है कि आपको एग्जाम टाइम में सारी चीजें याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन सही हो सके। तो हम इसे एक प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, एक फिगराइज करेंगे इसे, और हम देखेंगे कि
कि ये सारी चीजें एडजस्ट हमारे दिमाग में सेव हो जाए। इतनी सारी चीजें मैंने बताई थी, तो इसे हम देखेंगे कि इसे हम ऐसे याद करेंगे। ये अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो ये सारी चीजें दिमाग में एकदम से सेव हो जाएंगी और कभी आप इसे भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो जैन से उठते हैं ये आपके गलत नहीं होंगे। जैसे जैन, जैन धर्म इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक जाहिर सी बात है भाई आपने पढ़ा महावीर स्वामी। इन्हें वर्धमान भी कहा जाता था। जैन धर्म के पहले गुरु कौन थे यानी फर्स्ट? ये थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। इनकी माता का नाम जो लिच्छवी के चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, चेटक की बहन। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो गायत्री कुल के थे यानी गायत्री कुल के मुखिया थे। कहां हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ कुंडाग्राम वैशाली। यानी महावीर स्वामी इनका जन्म हुआ कुंडाग्राम वैशाली में। मृत्यु हो गई करीब 72 वर्ष के बाद। 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु हुई इनकी 468 ईसा पूर्व। कहां पे हुई? पावापुरी में हुई। पावापुरी उसके बाद इनके शादी हुई किससे हुई? यानी कि पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनसे पुत्री भी उत्पन्न हुई, यानी कि महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। कहीं कहीं प्रियदर्शनी भी लिखा मिलता अनुजा प्रियदर्शनी। और इन्हीं की शादी किससे हुई थी? जामिल से हुई थी। तो ये चीजें देखा, इतनी सारी चीजें जो थी कि ये था। उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, उसको भी देखेंगे। सन्यासी जीवन के बारे में देख लीजिए, सेट कर लीजिए। ये भी फ्लो चार्ट से ही होगा और जो भी सी चीजें मैंने बताई हैं ये इसमें है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इनका सन्यासी जीवन यानी कि ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास लिया था। 29 वर्ष की अवस्था में किससे पूछकर संन्यास लिया था? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। कहां पे? यानी इन्होंने 12 वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की कहां? रिजपालिका नदी के तट पर। रिजपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस नदी के तट पर तथा किस वृक्ष के नीचे। ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें एक सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाया था विजेता कहलाया, विनर कहलाया। उसके बाद इनको कुछ लोग निर्ग्रंथ भी कहते हैं, यानी कि बंधन ही
बंधन ही नहीं कहते। ये इनके उपनाम भी है, जिन ग्रंथ ये उनके उपनाम भी है। उसके बाद इनके जो शिष्य थे, यानी शिष्य थे और लोगों को उन्होंने उपदेश भी दिया, तो ये जो उपदेश था इसको भी देखेंगे। उपदेश, इन्होंने अपना उपदेश दिया अर्धमार्गी में। ये उस समय की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, इसको प्राइवेट लैंग्वेज बोलते हैं। उस समय की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, लोग इस लैंग्वेज को बोलते थे, लोगों को ये भाषा समझ में आती थी। ये बहुत टफ नहीं थी क्योंकि आम बोलचाल की भाषा थी। तथा इस इनके उपदेशों को सुन करके कौन इनके धर्म में सबसे पहली बार सम्मिलित हुआ या इनका अनुयायी बना? ये अनुयायी बने इनके जामिन, इनके दामाद थे, यानी कि अजंता प्रियदर्शना के पति थे जामिन इनके, यानी अनुजा प्रियदर्शना के पति थे। तथा ऐसा भी मिलता है कि पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? पहली महिला भिक्षुणी चंपा थी, महिला भिक्षुणी ये थी चंपा। उसके बाद इनके जो शिष्य बने उसमें सुधर्मा नाम का एक आर्य सुधर्मा बोलते हैं, ये एक पहला व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भी जीवित था। इसे ही प्रमुख प्रथम उपदेशक कहा गया क्योंकि बुद्ध महावीर की मृत्यु के बाद इसने जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। प्रथम उपदेशक कहा गया या जैन धर्म में इसे मुख्य थेरा भी कहते हैं, मुख्य थेरा भी कहते हैं। तो चीजें थी। उसके बाद इनके जो शिष्य थे उनको गणों में विभाजित किया, 11 गणधरों में विभाजित किया, शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। तो ये चीज दिखाया नहीं कि सुधर्मा को याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11 गणधर में कितने गणधरों में विभाजित किया, वो था 11। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सुधर्मा भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उसके बाद शिष्य के बाद इनके कुछ रत्न थे, उसको भी देखेंगे कि इनके रत्न कौन कौन से थे। इनके रत्न थे समय दर्शन, समय दर्शन, उसके बाद समय ज्ञान, उसके बाद समय आचरण। ये इनके तेरे रत्न थे। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कि इनके कितने रत्न थे। 3 रत्न थे, वो समय दर्शन थे, समय ज्ञान थे तथा समय आचरण थे। उसके बाद 5 महाव्रतों को जैन धर्म के लोगों को पालन करना होता था। ये 5 महाव्रत कौन कौन से थे? 5 महाव्रत पहला था अहिंसा, यानी कि नॉन इंजरी। दूसरा था सत्य वचन, यानी हमेशा सत्य बोली, यानी नॉन लाइंग, यानी झूठ मत बोलिए कभी। तीसरा ये था आस्ती, चौथा अपैग्रह, नॉन पोजिशन, और पांचवा था जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ये था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि
ये देखा इनके पांच महारत्न थे, अहिंसा सत्य वचन अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तथा कुछ चीजें हम देखते हैं कि ये चीजें थी फिर जैन धर्म में क्या चीजें थी, क्या मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को भी देखेंगे और भी याद रखेंगे कि ये मान्यताएं कौन सी थी। जैसे जैन धर्म में जो मान्यताएं थी, ये जैन जिसको फॉलो करते थे वो था आपका पहला अनीश्वरवादी, ये अनीश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं था, ईश्वर में विश्वास नहीं था, यानी अनीश्वरवादी थे। ये चीज जो मिल रही है ये आपका जैन तथा बुद्ध में दोनों सेम है, था जैन भी अनीश्वरवादी थे तथा बुद्ध भी अनीश्वरवादी थे, लेकिन जो जैन थे ये पुनर्जन्म में इनका विश्वास था या कर्मकांडों को भी ये फॉलो करते थे, ये कर्मकांडों को मानने वाले थे। उसके बाद ये आत्मवादी थे और अनेकवादी थे, यानी कि मेनी सॉल थ्योरी का ये पालन करते थे। तो ये चीजें थी। उसके बाद यहां आपने देखा इनके बहुत फेमस गुरु हुए, उनका नाम था भद्रभाव। भद्रभाव ने एक किताब लिखी कल्पसूत्र, भद्रभाव ने एक किताब लिखी कल्पसूत्र जो जैन धर्म से संबंधित था। तो इस चीजों को देखा आपने, जैन देखा जिसे आप याद रखेंगे और इसे आप पढ़ेंगे, काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप देखते रहिए। इसके बाद हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कई सारे लेक्चर मगध पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे, गुप्तास को पढ़ेंगे, मौर्य को पढ़ेंगे।